हरदा। हंडिया स्थित गुर्जर रेवा आश्रम में 7 दिवसीय शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। तृतीय दिवस बुधवार को कथावाचक पंडित वनवारी भाई उपमन्यु वृंदावन वाले ने कहा कि हमने देसी गाय का दूध पीना बंद कर दिया और जर्सी गाय का दूध पीना प्रारंभ कर दिया। इससे सभी दुर्बल हो रहे हैं। जर्सी गाय के दूध के बजाय देसी गाय के दूध शक्तिशाली एवं गुणवत्ता वाला होता है। जर्सी गाय का दूध पीने से नरक जाते हैं। लालच के कारण लोग जर्सी गाय पाल रहे हैं। लोग कुत्ता पाल लेंगे, कुत्ते को घुमा लेंगे, परंतु अपने माँ बाप को पालने में और घुमाने में शर्म आ रही है। हाथ से नमक परोसने से दरिद्रता आती है। कभी भी हाथ से नमक नहीं परोसना। उन्होंने जीवन में कितना भी पैसा कमाओ, सब यही रह जाएगा। लोग पूछते हैं कि मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति धाम ले जाते हुए मखाना, फूल एवं पैसा क्यों फेंकते हैं? तो उसका कारण ये है कि मखाना भरा पूरा परिवार, फूल खिले रहे एवं पैसा ये यही रह गया। यही जमाने को दिखाने के लिए कि सभी यही रह जाता है। तीर्थ का मूल दान देना, जानने का मूल जानना, बीमारी का मोल भोजन और चातुरता का मूल राम नाम लेना है। जिस माँ ने अपने बच्चों की गलती को ढक लिया या पक्ष लिया तो उसका बच्चा बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा, आजकल रसोई का सामान कम हो गया, कारण किसी को शुगर हो गई तो किसी को बीपी हो गया, बीमारी बढ़ गई तो लोग परहेज करने लगे, श्रम करना कम कर दिया, बाई मत रखो, खुद सारे कार्य करो, कोई समस्या नहीं आएगी। आज के जमाने में बनावटी होना तो सरल है, परंतु सरल होना कठिन है। लोग कुत्ता पाल लेंगे, कुत्ते को घुमा लेंगे, परंतु अपने माँ बाप को पालने में और घुमाने में शर्म आ रही है। हाथ से नमक परोसने से दरिद्रता आती है। कभी भी हाथ से नमक नहीं परोसना। मेरा सावरा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ बिगड़ा तुम्हारी लाज जाएगी। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पर जम कर फिर के भक्त। कथा स्थल पर प्रतिदिन श्रोताओं द्वारा पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाया जा रहा है। आचार्य पंडित संजय पटेरिया के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पार्थिव शिवलिंग को अमरनाथ बाबा का रूप लिए था, उनका अभिषेक कराया गया। उन्होंने बताया, गुरुवार को शिव बारात है जिसमें सजीव झांकियां बनाई जाएंगी एवं धूमधाम से शिव बारात भी निकाली जाएगी।